Hi फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू my न्यू ब्लॉग अभी morning के 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और यहाँ पे मैं आई थी अपने प्लांट को पानी देने के लिए और देखो इसमें छोटे छोटे दो pups भी आए हुए हैं एक्चुअली पहले ये हमारी पीछे वाली बालकनी में रखा हुआ था तो इसकी हेल्थ काफ़ी ख़राब हो गई थी इसकी जैसी हो गई थी तो पहले उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई मैंने लोकेशन चेंज करी तो इसलिए फिर मैंने इसकी भी लोकेशन चेंज कर दी तो देखते हैं इसकी हेल्थ कब तक इंप्रूव होती है और ये भी कुछ एलोवेरा के प्लांट्स लगे हुए हैं तो इनको भी मैं पानी दे रही थी एक्चुअली एलोवेरा जो है ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है मैं हेयर्स वगैरह में यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे को ना विंटर्स अभी जैसे हल्की फुल्की स्टार्ट होने लगी है तो मेरे को हेयर फॉल की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए मैं एलोवेरा यूज़ करती हूँ और मेरे को एलोवेरा का प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में कुछ बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे मॉर्निंग के उनको मैंने कहा साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ वरना जब सिंक भर जाती है ना तो फिर मतलब बहुत काम ना पेंडिंग सा हो जाता है ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है और फिर ना मेरे को साथ के साथ आ, काम निपटाने होते हैं फिर उसके बाद बेटू के स्कूल से आने का टाइम हो जाता है ना तो फिर पूरा जो मतलब काम ना निपट नहीं पाता तो इसलिए आ, साथ के साथ जो है मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ हमारे हाउस वाइफ का ये होता है ना कि मॉर्निंग भी हमारी किचन से ही स्टार्ट होती है और हमारा जो डे होता है वो किचन से ही एंड होता है मतलब मॉर्निंग से, से ले सुबह से लेके शाम तक हम मतलब मेन जो हमारा काम होता है ना वो किचन का ही होता है बाकी छोटी मोटी क्लीनिंग भी चलती रहती है जो डेली रूटीन की होती है मेनली हमारा खाना और सुबह से मतलब किचन से ही स्टार्टिंग होती है तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर रही थी मैंने कहा साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ और मैंने देखा बास्केट तो बास्केट सारी बुग्ड थी उसमें कुछ टू थ्री बनानाज रखे हुए थे एक बास्केट में एक में मैंने ग्रीन वेजिटेबल रात को क्लीन करी थी वॉश करके मैंने रख दी थी फ्रिज में इसको पैक करके पॉली में बट फिर भी और अभी मेरे को बनानी थी तो मैंने बाहर निकाल दी मैंने कहा थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तो इतने में मैं ना बर्तन क्लीन कर लेती हूँ तो वही फिर मैं उसको मैंने निकाल के रख दिया था बर्तन क्लीन कर दिए थे जबकि ये मेरी वेजिटेबल मैंने रात को अच्छे से क्लीन करके सोई थी बट एक सेल्फ सेटिस्फ़ैक्शन थी मेरे को कि मतलब कहीं थोड़ी भी डस्ट ना रह जाए अगर आप तो इतनी मेहनत लगती है हरी सब्जी बनाने में उसको पहले लाओ क्लीन करो फिर उसको वॉश करो मतलब बड़ा मेरे को बहुत लेंथी प्रोसेस लगता है बट हेल्दी होती है और सीजनल होती है तो खाना चाहिए हमें इसलिए फिर मैंने एक बार का अच्छे से और वॉश कर देती हूँ साथ के साथ थोड़ा सा पानी से मैंने अच्छे से और निकाल दिए थे ताकि अगर थोड़ी भी डस्ट रह गई ना तो फिर पूरी मेहनत ना खराब हो जाएगी तो बस फिर वही मैं इसको क्लीन कर रही थी मैंने कहा थोड़ा सा इसको बास्केट में डाल के रखती हूँ थोड़ा पानी वगैरह निकल जाएगा उसके बाद मैंने कटिंग वटिंग कर ली थी एक्चुअली फ़र्स्ट व्लॉग है ना तो काफ़ी कुछ रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया छोटी छोटी क्लिप्स जो थी वो मैंने रिकॉर्ड uh, करी थी मैंने और जो भी छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करके छोटू मोटू सा व्लॉग बना वो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे चैनल का फर्स्ट व्लॉग है तो जो भी छोटा मोटा क्लिप्स को ज्वाइंट करके एक प्रॉपर व्लॉग बन पाया तो वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी और ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा उससे और बेटर कर पाऊँ और देखिए साथ के साथ मेरा यहाँ पे जो प्याज टमाटर थे वो फ्राई हो चुके थे और मैंने उसमें सब्जी डाल दी थी अभी तो बहुत ओवरफ्लो लग रही थी बट जैसी थोड़ी सी स्टीम में जाएगी ना तो ये काफ़ी कम हो जाती है हरी सब्ज़ी का और इसमें अभी मैंने कुछ भी सॉल्ट वग़ैरह डाला नहीं था क्योंकि मतलब पता नहीं चलता ना क्वान्टिटी का तो मैंने कहा बाद में डालूंगी और उसके साथ फिर मैंने यहाँ पर कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी थी और उसके बाद फिर मेरा रोटी वगैरह बनाने का किचन वगैरह का काम चल रहा था वो मेरा रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह जो थे वो मेरे अच्छे से क्लीन हो चुके थे और ड्रायर वगैरह मैं कर चुकी थी तो बाहर मैं सुखाने के लिए आई थी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता ना तो फिर धूप ना आजकल बहुत जल्दी से दिन बहुत छोटा होता है तो सुबह थोड़ी सी जल्दी धूप निकलने लगती है और फिर बहुत जल्दी चली जाती है और आजकल धूप ना बहुत तेज़ भी नहीं होती है मैंने कहा पहले ना मैं कपड़े सुखा देती हूँ और उसके बाद मतलब जिस दिन कपड़े वगैरह वॉश करो ना तो उस दिन क्लिनिंग पहले बिल्कुल भी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि फिर अंदर बाहर अंदर बाहर जाना हो पाता है तो वो क्लीनिंग वाली ना वाइप्स नहीं आती हैं फिर क्लीनिंग करने के बाद आप पूरा दिन आगे पीछे और कपड़े जो वॉश होते हैं वो पानी वाला ही काम होता है तो फिर ना मतलब क्लीन सा लगता नहीं है घर तो पहले मैंने कहा कपड़े वगैरह वॉश कर क्लीन करके बाहर सुखा देती हूँ और देखो ये सारे कपड़े थे मतलब बाहर जो स्पेस था उसमें इतने ही कपड़े आ पाए थे कपड़े तो अभी और भी थे देखिए बास्केट में रखे हुए हैं तो उसके बाद फिर ये मैंने कहा बाद में सुखा दूंगी जब वो वाला स्लॉट जो है वो सूख जाएगा उसके बाद फिर मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो चुका था एक्चुअली हस्बैंड की ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है उनको थोड़ा सा कोल्ड कफ़ हुआ हुआ है तो उनके लिए मैं यहाँ पे काली मिर्च और तुलसी लीव्स डाल करके पानी मतलब काढ़ा बोल सकते हो या पानी बोल सकते हो वो मैं बॉईल कर रही थी काफ़ी अच्छे से मैंने बॉईल करा था और काफ़ी सारा पानी था और जब काफ़ी कम रह गया था तब मैंने उनको एज इट इज़ दिया था मैंने इसको स्टेन नहीं करा था और उसके बाद फिर डिनर वगैरह करके हम लोग थोड़ा सा मार्केट की तरफ मार्केट की साइड गए थे घूमना भी हो जाता है हमारा हाउस वाइफ का ऐसा स्पेशल तो निकलना होता नहीं है तो यही सब्जी और फ्रूट्स लाने के बहाने हमारा घूमना भी हो जाता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है बाहर जा कर के तो वही हम गए थे और आते हुए ये सारा फ्रूट्स वगैरह लेकर के आ गए थे एप्पल लेकर आए थे कुछ गावा वगैरह लेकर के आए थे मौसमी वगैरह लेकर के आए थे और बनाना लेकर के आ गए बहुत इजी होता है ना बनाना उठाया और खा लिया तो दो तीन पड़े हुए थे वो यूज़ हो गए थे तो फिर शाम के शाम को हम रात के टाइम डिनर वगैरह करके गए थे ना तो दोबारा से ले आए थे तो एक बास्केट में मैंने ये सारे फ्रूट्स डाल दिए थे जो फ्रिज में डालने हैं और बनाना जो थे वो मैंने एक बास्केट में डाल दिए थे क्योंकि फिर ये पॉली में रखे रखे ना सॉफ्ट हो जाते इसलिए फिर मैंने इनको साथ के साथ क्लीन मतलब सेपरेट जिसकी जहाँ जगह थी वो कर दी थी और उसके बाद फिर मैं इनको फ्रिज में लगा दूँगी और बस आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग था तो बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड करना नहीं हो पाया जितना भी था वो सब मैंने आप सबके साथ शेयर करा आई होप आपको मेरा ये छोटू मोटू सा फर्स्ट ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब शुरू करिएगा मिलेंगे एक न्यू में टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स बाय बाय